छोड़ भाई जान, तू बता तू भाई उसमें इतना पापा गिरेगा इतना भाई। नहीं 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 मैं सो भाई सही बता रहा हूँ, तू भाई इतना गिरा हुआ है भाई। अब भाई इनके इनके साथ गाइस मैं कभी नहीं खेलूंगा, बता दिया मैंने, सबके सब छोड़े गाइस सबके सब। अभी तक तुम लोगों को पता चल ही गया होगा कि राइस्टार ने फ्री फायर छोड़ दिया, अगर मगर किंतु परंतु क्यों, ये मैं तुमको बताता हूँ। अब नहीं मानेंगे। अब देखो हमेशा की तरह ज्ञान गेमिंग और राइस्टार दोनों के दोनों लाइव कर रहे थे अपने चैनल पे, और तभी इन दोनों के बीच में कस्टम चल रहा था जो कि हमेशा चलता है, ज्ञान गेमिंग वर्सेस राइस्टार। अब देखो उस कस्टम में क्या हुआ, एक बंदा था ज्ञान नितिन नाम का, शायद तुम लोग जानते होगे, जो लोग ज्ञान भाई को जानते हो वो लोग तो जरूर जानते होंगे क्योंकि ज्ञान भाई के गिल्ड का बंदा था ये। अब था मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी के टाइम पे ये किक हो गया है, उसकी भी कहानी आगे बताता हूँ, अभी पहले हम करेंट टॉपिक पे आते हैं। तो कस्टम में वो जो बंदा था भाई अचानक भयानक भयंकर मार रहा था, मतलब बहुत बुरा, और साथ ही साथ उसका एम डिफ्लेक्शन हो रहा था, और तुमको पता ही है अगर 2 ग्राम भी दिमाग होगा तो तुम ये चीज आराम से बता दोगे कि कौन बंदा फेयर मार रहा है और कौन सा बंदा अनफेयर मार रहा है। और एम डिफ्लेक्शन तभी होता है किसी भी प्लेयर का जब वो भाई जादुई शक्ति का इस्तेमाल करता है। जनता माफ नहीं करेगी। फिर क्या होना था, हो गया कांड, और उसके बाद राइस्टार गया, बोला भाई इस बंदे को बोलो अपना स्क्रीन शेयर करके दिखाए, अपना पीसी चेक कराए, क्योंकि अगर कुछ होता तो पता लग जाता। फिर आगे देखो तुम क्या बोला ज्ञान ने, करते हैं भाई। नितिन को डीसी में बोला, किसको डीसी बोला, डीसी के बोला कोई ज्ञान नितिन को, हार रहे थे और कल तुम चेक नहीं किया, आप जीत गए तो चेक कर रहे हो। अरे यार चेक करना पड़ता है रे, सर अब 25000 हो गए सर, 25000। अबे यार तू भाई पहले इसको बुला ले। ओ गया, उसके पापा बुला रहे भाई, यार चल गए देख। अरे नहीं 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 बुला बुला, वाह भाई वाह। अरे पापा बोला भाई पहले ही कैसे बोला था, जो नहीं 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 समझ गए, नहीं नहीं समझ गए समझ गए समझ गए भाई। अब इतना सुनने के बाद तुम्हारे मन में 2 ख्याल आए होंगे। पहला कि तुमको ये लगा होगा कि ज्ञान को पता है कि ये बंदा हैक यूज कर रहा है और ज्ञान इसको डिफेंड कर रहा है। दूसरा कि ज्ञान मजे ले रहा है, बाकी सारे बंदे मजे ले रहे हैं, ऐसा कोई सीरियस वाली बात है नहीं। मेरे को भी उस समय तक यही लग रहा था, बट क्या तुमको पता है ये बंदा सच में हैकर था, और सच में ये बंदा वेरीफाई हो गया कि ये बंदा जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है, और उसके बाद इस बंदे को पहली फुर्सत से गिल्ड से निकाल दिया गया। तो क्या ज्ञान गेमिंग को पहले से पता था कि ये बंदा हैकर है? नहीं, तुम खुद सोचो ना यार, बात खाली यहाँ पे ज्ञान नितिन की नहीं है भाई, सन की 444 को भी देख लो, मतलब ऐसे प्लेयर ज्ञान एक तरीके से समझो तुम कम्युनिटी का सबसे पुराना स्ट्रीमर है, सबसे पहला यूट्यूबर है, और पीसी पे भी बहुत पहले से खेलता है, तो इतना तो भाई मतलब कोई आंख से अंधा भी बंदा होगा ना वो देख के बता देगा कौन सा बंदा फेयर है कौन सा बंदा अनफेयर। चलो नितिन का 1 सेकंड को मान सकते हैं, अभी 1 टप का जमाना है, सब 1 टप मारते हैं, लेकिन एकदम B2K की छठी पैदाई हो जाना एकदम से, वो भी पूरे कम्युनिटी में आके आग लगा देना, ऐसा तो नहीं होता भाई। जहां पे 99% लोग बोल रहे थे सन की हैकर है, ज्ञान उसको फिर भी फेयर साबित करने में लगा था, लेकिन एट द एंड क्या हुआ, वो भी पेला गया और ज्ञान नितिन भी पेला गया, मतलब दोनों के दोनों पेले गए। हम भी पेले गए थे, तुम भी पहले जाओ। नितिन वाली बात को तो छोड़ो, वहां पे गुल्लू आईटी भी था, गुल्लू आईटी को भी राय ने बोला स्क्रीन शेयर करने के लिए, बट उस बंदे ने भी नहीं करा यार। अरे क्यों नहीं दिखाना है, दिखा उल्लू, हो गया प्रो, हो गया वैसे ज्ञान गेमिंग ने राइस्टार का वर्सेस सन की 444 से करवा दिया था भाई। कोई बंदा कितना भी बड़ा प्रो का चोदा हो, अगर उसके सामने हैकर आएगा ही तो वो बंदा हारेगा ही, क्योंकि भाई हैकर के सामने कोई नहीं जीत सकता भले वो कितना बड़ा प्रो प्लेयर हो। समझा मादर चोद, अगर सनकी जीत जाता उसके बाद राइस्टार को कितनी हेट मिलती, क्योंकि तुमको पता है भाई ये फ्री फायर ऑडियंस है, ये गधे की मूंछ जैसी इनकी दिमाग है, अगर जो बंदा यहाँ हार जाता है ना उसको ये लोग क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, मतलब एक कस्टम अगर किसी के बीच हो रहा है ना और अगर उस कस्टम में कोई बंदा किसी से हार जाता है, मतलब भाई उनको ऐसा जलील करने लग जाते हैं, नहीं भोसडी के तू तो नू भाई एकदम। रही बात ज्ञान गेमिंग की, ज्ञान गेमिंग को मैं बहुत अच्छे से मानता हूँ जानता हूँ और रिस्पेक्ट भी करता हूँ, ये तुम सब लोग जानते हो, लेकिन ये जो हरकत है ना भाई ये कहीं ना कहीं बहुत बुरी है, मतलब बहुत ज्यादा बुरी, दिल से बुरा लगता है।